आपको पीपीटी भेजी है, तो वो पीपीटी आप स्क्रीन पे उसको वो शेयर कर दो, मिस्टर आप शेयर कर दो स्क्रीन पे। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणं श्यादेवादिनय षट्द्रव्य गुण परियाय और प्रमाणकाम जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माफो वंदना शत बार है वंदना शत बार है। आज से ये बहुत ही सुंदर शिविर का प्रारंभ हुआ है, पेरेंटिंग संबंधी ये शिविर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करे, कैसी शिक्षा दे कि जिससे उनका जीवन आराधनामयी तत्वज्ञानमयी सरल और सुंदर उनका जीवन बने। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत जी भाई साहब के मार्गदर्शन से उनके निर्देशन में ये शिविर का आयोजन हुआ है, उनका हमारे सबके ऊपर बहुत बहुत उपकार है कि उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमें तत्व ज्ञान दिया है और ऐसी सुंदर शिविर का आयोजन किया है। आज का जो विषय है वो है बच्चों में नैसर्गिक गुण। आपके सामने सबके सामने पीडीएफ आ गई होगी। हम ये पीडीएफ जो भाई साहब बाल ब्रह्मचारी सुमत जी भाई साहब ने ये पीडीएफ बनाई है और उसके आधार से ही हम देखेंगे कि हम बच्चों में किस प्रकार से उनमें ये तत्व के संस्कार डाले, उनका जीवन कैसे अच्छा बने, सुशोभित हो, आदर्श बने समाज में, कि उनके जीवन से दूसरे लोग भी प्रभावित हो और ये तत्व के मार्ग पर दूसरे बच्चे भी उनको देखकर ये मार्ग को अपनाए। सबसे पहला पॉइंट सबसे अपन चालू करते हैं। उन्होंने जो ये पीडीएफ बनाई है उसमें सबसे पहला पॉइंट है निशंकित। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है पहला पॉइंट निशंकित? निष्ठा बहन आप जरा हाँ या ना बोलते जाना क्योंकि बाकी के सबके माइक पर हाँ हाँ बस बहुत बढ़िया, आप थोड़ा रिस्पांस देते जाना है ना। सबसे पहला पॉइंट अभी हमने सुमत जी भाई साहब का एक प्रवचन सुना 9 से 10, बहुत ही सुंदर प्रवचन, बहुत अद्भुत प्रवचन था उनको। उन्होंने पूरे प्रवचन में बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा ही मेन है, वो ज्यादा में ज्यादा समय वो मम्मी पापा के साथ बच्चा व्यतीत करता है। तो मम्मी पापा का जीवन आदर्शमय होगा तो बच्चे का जीवन भी आदर्शमय बनेगा। सबसे पहला पॉइंट है निशंकित, पहला पॉइंट है निशंकित। अब देखो निशंकित में भाई जी ने 4 पॉइंट दिए हैं। बालक विश्वास से पशुओं को छूते हैं और पशु भी बच्चे के विश्वास को नहीं छलते। मैं पहले 4 पॉइंट एक बार पढ़ती हूँ फिर इस पर अपन थोड़ा विस्तार देखेंगे। माता पिता ही सावधानी के नाम पर
शंका सिखाते हैं, जानकारी के नाम पर जासूस बनाते हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी लेना ही शंका का वह बीज है जो संपूर्ण सृष्टि मात्र के प्रति अविश्वास की जड़ें मजबूत कर देता है। ये चार पॉइंट भाई साहब ने यहाँ निशंकित अंग में, निशंकित गुण में बताया। देखो, सबसे पहला तो बताया कि बच्चे कितने सरल होते हैं, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बच्चों में कहीं दुश्मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है और उनमें कोई द्वेष भाव नहीं होता है, मायाचारी नहीं होती है, स्वयं छल नहीं करते और कोई दूसरा सामने छल कर रहा हो ना तो उनको वो छल भाव से भी नहीं देखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन छल कर रहा है क्योंकि वे स्वयं छल से रहित है, निर्दोष है, पशुओं को स्वयं अपने को दे देते हैं, पशुओं को छू लेते हैं। मैंने आप समझ रहे हो कितने देह के प्रत्ये छोटे बच्चे कितने देह का कोई पक्ष नहीं है, उनको डर नहीं है, भोले है। क्रूर पशु भी हो ना तो भी उनको स्पर्श कर लेते हैं, सरल होते हैं बच्चे, परंतु हम उनको मायाचारी सिखाते हैं, हम उनको छल कपट सिखाते हैं, हम उनकी सरलता नष्ट कर देते हैं। फिर वे जब बड़े होते हैं तो वो किसी और के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका जीवन पाप से युक्त हो जाता है। हमें तो उनका जीवन निर्दोष बनाना है और हमें उनको शूरवीर बनाना है, जैसे शिवाजी थे ना, शिवाजी तो उनको उनकी माता ने जब वे छोटे थे तो उनकी माता ने उनको 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 वीरता का पाठ पढ़ाते थे, वीरता का पाठ पढ़ाते थे, तो बड़े होके कैसे बने, वो वीर बने, शूरवीर बने। जैसे कुंदकुंद आचार्य दे जब वे छोटे थे तो उनकी मम्मी उनको भव के अभाव का पाठ पढ़ाते थे, तो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही मुनि दीक्षा धारण करी। गाते थे ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी, ऐसी लोरिया गाते थे कि नहीं कुनकुन आचार्य देव की माता, जिनसेन आचार्य देखो अपने 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिन दीक्षा धारण करी। आप हमारे गुरुदेव जी का ही जीवन देखो, अपन उनके पूरे जीवन चरित्र में पढ़ते ही है ना, सुनते आ रहे हैं कि जब वे छोटे थे तब वो कैसे कैसे नाटक वो नाटक देखने जाते थे, तो कैसे कैसे वो उनमें से उन्होंने वो वैराग्य निकाल देते थे। शिव रमणी रमणार तू ही देव नो दे, माने था तो वो राग रंग का नाटक, परंतु उसमें से भी वो क्या क्या किसका पोषण करते थे, वैराग्य का पोषण करते थे, राग रंग को गौण कर देते थे। और बड़े हुए तो उनका जीवन कैसा वैराग्य और ज्ञानमय बना कि नहीं, माने बचपन में दिए हुए संस्कार बहुत काम आते हैं और उसकी पूरी पूरी जवाबदारी माँ बाप की है, माता पिता की है ना। जैसा कहते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष होगा। हम बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे तो वो बड़े होंगे तब भी वो संस्कार को नहीं भूलेंगे, क्या कहा, मोहियों की संगति नहीं करेंगे, है ना, कोई खराब व्यक्तियों की, कोई खराब क्षेत्र आदि में कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनको वो बचपन के संस्कार दिए गए हैं। तत्व ज्ञान से उनका जीवन रंग दो, तत्व ज्ञान से पाठशाला भेजो। पहला पॉइंट बताया ना, निशंकित में कहा, बाद में अपन उसके और एक एक पॉइंट का विस्तार करेंगे, परंतु यहाँ तो सबसे पहले ये है कि उनको निशंक बना दो, कोई भी प्रकार की उनके चित्त में बारंबार शंका ना हो, क्योंकि वो बचपन से ही सरल स्वभावी है तो बड़े हो तो भी उनका जीवन ऐसा सहज ही बना रहे, सरल बना रहे,
अपना। मम्मी पापा उनके आदर्श है। सबसे ज्यादा वो प्रभावित मम्मी पापा को देख देख कर होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है पाठशाला, पाठशाला जैन पाठशाला, वहां वो देख देख कर सुन सुन कर सीखता है। और तीसरे नंबर पे आता है उसकी स्कूल, स्कूलिंग, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ने जाता है ना बच्चा, स्कूलिंग। मैंने इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को कोई भी क्रिश्चियन मुसलमान ये वाली स्कूलों में मत भेजो, क्योंकि इन स्कूलों में जाते हैं तो उन उन बच्चों के साथ रहते हैं ना जो पारसी होते हैं, मोमेडियन होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, सिख होते हैं, तो इन सब की संगति में रहकर बच्चे भी उन जैसे संस्कार डाल देता है। भगवान जगत का करता है, बक्ष अबक्ष का फिर उसको विवेक नहीं रहता है, फिर वो फैशन करता है जैसे अन्य अन्य बच्चे करते हैं, माने उसका जीवन सादगी में ही नहीं होता रहता है, है ना। तो अपने को अपने बच्चे का जीवन सादगी में ही बनाना हो, सरल बनाना हो, तत्व ज्ञान से उनका जीवन रंग जाए, तो हमें उनको ऐसी स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए। हमें उनको ऐसी स्कूल में भेजना चाहिए कि जहाँ जैन संस्कार दिए जाते हो, जहाँ जैन का कोई एकाध सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो, जहाँ गुजराती मीडियम भी हो, माने गुजराती सब्जेक्ट भी हो, क्योंकि गुजराती भी सीखना बहुत जरूरी है बच्चों को। आजकल बच्चे सब इंग्लिश में ही पढ़ाई करते हैं तो फिर बच्चों को गुरुदेव श्री का प्रवचन समझ में ही नहीं आता है। बच्चे ये गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ ही नहीं पाते हैं, माने गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। हमें उनको ऐसी स्कूल में भेजना है कि जहां ऐसे सब्जेक्ट भी चले। मोहियों की संगति में नहीं डालना हूं, मोहियों की संगति। उनको ऐसी फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए कि जो संस्कारित हो, जो अच्छे घर के बच्चे हो। कैसे मित्र बनाए, कैसे मित्र नहीं बनाए, सुमित जी का एक अलग से प्रवचन है, मित्र कैसे होने चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए। बच्चों को उनके प्रवचन सुनाओ, बहुत फर्क पड़ जाएगा उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में, उनका अभिप्राय में। हम उनको बहुत प्रेशर करते हैं, माता पिता उनको प्रेशर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको फर्स्ट आना पड़ेगा क्लास में, ये बच्चे से आपको आगे आना पड़ेगा। माने वो बच्चा पूरा समय डिप्रेशन में रहता है, पूरा समय टेंशन में रहता है, पूरा समय भार में रहता है कि मुझे तो फर्स्ट आना है। और वो बेचारा इतनी मेहनत करके न आए, वो कितना दुखी होता है, इतना दुखी होता है ना, डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। परंतु हम उनको ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते हैं, करे ये पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, लौकिक पढ़ाई, ये पढ़ाई तो हमने अनंत बार की, क्या नहीं बने हम, क्या नहीं बने डॉक्टर, LLB, वकील, MBA, ये सारी डिग्री तो हमने अनंत बार की, इसमें कोई दम नहीं है। और पैसे कमा कर करना क्या है, कहीं से सुख मिलने वाला नहीं है, ये पढ़ाई पढ़ाओ, कहीं सुख नहीं मिलेगा, नहीं वो पैसे में, नहीं सहयोग में, कहीं सुख नहीं है। माने हम अपने बच्चों को धर्म की पढ़ाई में आगे बढ़ाए। भगवान कैसे बना जा सकता है, तुम तो बेटा भगवान बनोगे, तुम तो महावीर बनोगे, तुम तो भविष्य के भगवान हो, तुम तो हाल में भगवान हो और पर्याय में भविष्य में भगवान बन जाओ। ऐसी भावना हो अंदर से, मेरा बच्चा कुंद कुंद मुनिराज जैसा बने, मेरा बच्चा जिनसेन मुनिराज जैसा बनया, खूब खूब ये धार्मिक पढ़ाई में आगे बढ़े, खूब प्रभावना करे, धर्म की प्रभावना। ये बच्चे ही हमारा जैन धर्म आगे ले जाएंगे, गुरुदेव श्री का तत्व घर घर पहुंचाएंगे। पूरी सोच अपनी बदल दो, हमें नहीं चाहिए वो डिग्रियां, हमें नहीं चाहिए वो पद। कितनी कंपटीशन आप देखो, बेचारा बच्चा आधी बीमारियां तो वो टेंशन में हो जाती है, आधी जिंदगी तो उसको वो डिग्रियां प्राप्त करने में चली जाती है, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या परिवार का की संभाल रखेगा, समय नहीं बिता पाता है वो परिवार के साथ। ख्याल आ रहा है कि नहीं,
माने बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी के समान है। कच्ची मिट्टी को आप उसको जैसे आप उसको वो करो ना, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाती है। ऐसे बच्चों को जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएंगे, उसको जैसे संस्कार दोगे उस प्रकार का उसका जीवन होगा, है ना। अपना बच्चा अपने हाथ में है, अपन उसको जैसा मोड़ेंगे वैसा उसका जीवन होगा। अच्छे संस्कार डाले, उसके चित्त में अच्छी अच्छी बातें डाले। ऐसा नहीं समझा है कि देखो वो मायाचारी कर रहा है, वो छल कर रहा है, तो तुम भी सामने ऐसा करो। नहीं, उसको ऐसा सिखाओ कि बेटा अपना पाप का उदय हो ना तो वो सामने ऐसा मायाचारी करेगा, अपना पाप का उदय हो तो वो जीव इस प्रकार के भाव करेगा। तो उसको समझाओ कि ये सब बाहर में पुण्य पाप का खेल है, हम तो उसके ज्ञाता है ना, हमें सामने वैसे परिणाम नहीं करना। जैसे गुरुदेव को लोगों ने कितनी माने अपराधी शब्द बोलते थे, गालियां देते थे, कुशब्द बोलते थे, खराब खराब वचन बोलते थे, तो भी गुरुदेव सामने क्या कहते थे गुरुदेव कि आ बदा तो भूलेला भगवान छे, आ बदा तो शू छे भूलेला भगवान छे, पर्याय मां भूली गया छे, परंतु छे तो भगवान है, तो महान है, तो सिद्ध समान। हमें तो अपने गुरुदेव जैसा बनना है, हमें तो अपना जीवन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसा बनाना है। भगवान छो भगवान था वो मंत्र कहते थे, समय जानू काय कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। क्या कहा? भगवान छो और भगवान खाओ, किसी से बच्चों को दुश्मनावट नहीं कराओ, शत्रुता नहीं बनाओ, सारे मित्र है हमारे, सब जगत के सारे जीव हमारे मित्र, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। ऐसे ऐसे सामायिक पाठ वगैरह उनको पढ़ाए, उनको ऐसे पाठ पढ़ाए कि वो सामने कोई बुरा भी करे तो उनको पता ही ना चले, उनको ख्याल ही ना है, क्योंकि इतने निर्दोष बचपन से रहे हैं, तो बड़े होकर भी उनका जीवन ऐसा निर्दोष ही बने। कैसा बने? निर्दोष बने। देखो यहाँ पे एक पॉइंट भाई साहब ने दिया है कि जानकारी के नाम पर जासूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम जासूस, माने हम निरंतर उनको समझाते हैं, माने उनको पूछते हैं कि आप इसके घर पे जरा जाके देखना, हमारे बारे में कुछ खराब तो नहीं बोल रहे ना, हमारे बारे में कुछ पीछे पीछे खराब तो कुछ बोल तो नहीं रहे, इनकी इनके जीवन में क्या चल रहा है, इनके बिजनेस में क्या चल रहा है, ये सब हम उनके पास से, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है वो सब हम उनके पास से पूछवाते, सब जानकारी, सब जासूसी करवाते। देखो हमने उनका उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, हम उनका उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, उनका उपयोग हम तत्व ज्ञान में लगाने के बदले, ये भाभी क्या कह रहे हैं अपने बारे में, है ना, ये डियर क्या कह रहे हैं अपने बारे में, ये फलाना व्यक्ति हमारे बारे, हाँ 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 पीपीटी आ रही है, पीपीटी हाँ अभी दिखाई दे रहा, हाँ आप शेयर कर दो, हाँ क्या लग रहा है। तो आप अपने, हाँ आप अपने बच्चों को माने अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे शिक्षा दो, जासूसी में मत लगाओ उनका उपयोग, है ना, इनके प्रवचन में बैठो, इनकी शैली कैसी है जरा देख के आओ, तो ये नहीं, उनको तो इसके लिए आप प्रवचन में भेजो, इसके लिए प्रवचन में भेजो कि वो वहां से कुछ सीख के आए, वहां से कुछ वो समझ के आए, कुछ दो अच्छी चीजें उनके प्रवचन में से वो ग्रहण करके आए, इस प्रकार से उनका मानस बनाओ,
उस प्रकार से उन मैंने उनके सामने, देखो आज सुमन जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा, एक पॉइंट उन्होंने ये कहा कि बच्चों के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करो। क्या कहा? बच्चों के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करो, बच्चों के सामने, माने उनके दिमाग पर ये बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर वो व्यक्ति को उसी उसी एंगल से देखता है, वो बच्चा उसी हिसाब से देखेगा, फिर वो बच्चा उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का बिहेवियर करेगा, माने उसकी इम्प्रेशन भी खराब होगी और उसके दिमाग में उसके लिए खोटे खोटे विचार आएंगे, हम उनके उसके परिणाम बिगड़ेंगे ना। और गुरुदेव ने तो हमें समझाया है कि बदा भगवान छे, माने बदा भगवान था, तो फिर हम उनके दिमाग में और वो तो औदयिक भाव है ना, औदयिक भाव तो बदल जाते हैं, थोड़ी ना स्थायी रहते हैं। अंजन जैसे अंजन चोर सप्त व्यसनी भी बोलो उसी भाव से मोक्ष चले गए कि नहीं। हम उनको ये समझाया कि किसी का औदयिक भाव भी देख लो ना तो उसको गौण कर दो, उसको उपगुण कर दो और उसके जो गुण है वो ग्रहण करो। क्या क्या ग्रहण करो? उसके गुणों को ग्रहण करो। देखो निशंकित अंग में एक पॉइंट यहाँ पे बताया है कि शंका शंका माता पिता ही सावधानी के नाम पर शंका सिखाते हैं। शंका मत कराओ, उसको डरपोक मत बनाओ, उसको नीडर बनाओ। नीडर गुरुदेव कैसे नीडर थे? कोई भी उदय आ जाए, उदय है ही नहीं ना मेरे में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। कोरोना वायरस अभी जो ये चल रहा है ना, तो हम अपने बच्चों को भयभीत करा देते हैं, हम अपने बच्चों को डरा देते हैं कि तुमको कोरोना हो जाएगा। नहीं, उसको डराओ मत, उसको ये समझाओ कि हमें सावधानी रखनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें ग्लव्स पहनना है, हमें सब्जियां हाथ सारे चीजें हमें धोकर उसको यूज करना है, उसको सावधानी सिखानी, उसको डरावना नहीं बनाना। उसको तो उल्टा ये समझाओ कि हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता। क्या क्या समझाना है उनको, बच्चों को, कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। उनको उनको पुण्य के उदय पर भरोसा कराओ। क्या कराओ? उनके पुण्य के उदय पर भरोसा कराओ। हाला रहा ना, भरोसा कराओ कि भाई अपन तो इतने स्वाध्यायी जीव है, तत्व ज्ञान में लगे हैं, अपने को पुण्य के उदय का भरोसा है कि नहीं। और आत्मा को का कोरोना होता है? आत्मा को तो होता ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर तत्व है, अविनाशी तत्व है। गजब का मार्ग हमें सर्वज्ञ भगवान के ये सारे जो सूत्र और मंत्र दिए हैं, उसको हम भी अपने जीवन में उतारे और उन बच्चों के जीवन में भी उतारे कि कैसे भी संकट आ जाए, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो देशास्त्र गुरु और ये जैन धर्म से डिगे नहीं, वो अपना आत्मविश्वास से ना डिगे, वो अपना बल ना आत्मबल को ना छोड़े, इतना उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, ये तत्व ज्ञान से उसका जीवन क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग बना दो। फिर देखो यहाँ पे कहा ना, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कहा कि मूल उनको मूल प्रयोजन भूत बात समझा, जो प्रयोजन भूत बात है ना वो समझाओ, अप्रयोजन भूत बातों में मत लगाओ, अप्रयोजन भूत बातों में मत लगाओ, क्योंकि अप्रयोजन भूत बातों में उनका उपयोग बर्बाद हो जाएगा, है ना। ज्यादा टीवी न्यूज़पेपर है ना, मोबाइल, इन सब चीजों से बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और जो भी उसका उसमें जो उससे जो कुछ लाभ है वो हम उसको यूज करने के लिए दे, परंतु जो उसका दुरुपयोग करता हो तो उसको उस साधनों से उसे दूर रखना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन खराब हो जाता है, उनका उपयोग भी बर्बाद हो जाता है, उनकी सारी शक्ति और समय इसमें बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ निशंकित। अब देखो निकांक्षित, निकांक्षित गुण मैं पढ़ती हूँ, यहां से तीन पॉइंट दिए हैं। बालक निकांक्षित, बच्चे के लिए दूध ही भोजन है, हाथ एवं किलकारी ही खिलौना है। बच्चे कभी भी एहसान न जताने वाले अथक सेवक है, शान प्रशंसा प्रोत्साहन के नाम पर टॉफी दूध में शक्कर वस्त्र खिलौने मोबाइल आईपैड टीवी की आदत हमने ही डाली है। क्या कहा?
बहुत जबरदस्त बात की है इसमें। देखो हम कितनी गलत चीजें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये कहा निकांक्षित। निकांक्षित माने बच्चों को, बच्चे निकांक्षित होते हैं, माने अपेक्षा नहीं है, खाली मात्र क्या सहयोग की, पदार्थों की अपेक्षा नहीं। परंतु देखो उन्होंने लिखा है, भाई साहब ने लिखा है, बच्चों के लिए दूध ही भोजन, हाथ एवं किलकारी। किलकारी माने हंसी, माता की हंसी, मम्मी की मुस्कुराहट, है ना। मम्मी मुस्कुराती है ना तो बच्चे मुस्कुराते हैं, और मम्मी उदास रहते हैं तो बच्चे भी उदास रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम बच्चे उदास ना हो, तो हमें बच्चों के साथ हंसते रहना है। पैसे से ज्यादा कीमती कोई भी पदार्थ से ज्यादा कीमती बच्चों के लिए माता का प्रेम है, मम्मी का प्रेम, मम्मी का अपनापन, मम्मी का वात्सल्य, समय। बच्चों को जितना आप समय दो उतना ही अच्छा है। बच्चों को टाइम चाहिए, पास में बैठो, बच्चों के पास बैठो, उनसे बातें करो। आप हंसोगे तो वे हंसेंगे, आप उदास रहोगे तो वे उदास रहेंगे। ऐसा ये संबंध है माता और बच्चे का, बहुत निरपेक्ष भाव है दोनों के बीच में। कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है मम्मी और बेटे बच्चे के बीच में, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है। माने आप कहा ना एहसान नहीं जताना, एहसान नहीं जताते। मैंने मम्मी के लिए इतना किया, मैंने मम्मी की सेवा की, मैंने मम्मी को भोजन दिया, मैंने मम्मी के पैर दबाए, तो मम्मी को भी मुझे सामने इतना करना पड़ेगा। बच्चों में इस प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, उनका प्रेम निरपेक्ष होता है। और सेम माता का भी, माता जो बच्चे के लिए करते हैं ना, माता जो बच्चे के लिए करते हैं तो वे भी निरपेक्ष भाव से करते हैं। मम्मी को भी बच्चे के पास से कोई अपेक्षा नहीं। हाँ लेट हुआ है ना प्रोग्राम, तो ये इसका जो विस्तार और है दूसरे पॉइंट्स के, वो दोपहर के स्वाध्याय और कल सुबह के स्वाध्याय में भी लेना है। तीन स्वाध्याय में ये पूरी पीपीटी पूरी करनी है, ऐसा हमें कहा गया है हम लोग को। तो रीजॉइन नहीं करके हम अभी एंड हो जाएगी ना मीटिंग, तो हम वापस दोपहर के स्वाध्याय में जब मिलेंगे तब बाकी के पॉइंट्स के ऊपर हम विस्तार करेंगे, है ना। हाँ तो अभी जो अभी जब तक मीटिंग एंड नहीं हो रही है तब तक मैं ये पॉइंट ले रही हूँ। हाँ अब देखो यहाँ पे कहा क्या, कहा कि माता और पुत्र का, माता और बच्चे का प्रेम गाय और बछड़े जैसा होता है। गाय और बछड़े का प्रेम कैसा होता है, कैसा वात्सल्य होता है। बछड़े के लिए गाय कुएं में भी कूद जाती है, मरण को प्राप्त हो जाती है। माने कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है ये बताना है, माता और बच्चे के बीच में कोई स्वार्थ नहीं। मम्मी कुछ भी कर लेती है अपने बच्चों के लिए, और बच्चे मम्मी के लिए करते हैं, मम्मी बच्चे के लिए करते हैं, एक अलग प्रकार का, एक सहज ही इस प्रकार का संबंध उन दोनों के बीच में होता है। कोई अपेक्षा ही नहीं होती है एक दूसरे के लिए, ये अपनी राग की पूर्ति करते हैं दोनों। क्या कर लेते हैं, राग की पूर्ति करते हैं, ऑटोमेटिक ऐसा संबंध बनता है। बहुत ही सुंदर संबंध है, ऐसा संबंध दुनिया में कोई दूसरा संबंध नहीं है जो माता और बच्चे का होता है। एक यह बताया है कि शान प्रशंसा प्रोत्साहन के नाम पर टॉफी, दूध में शक्कर, मोबाइल आदि हम बच्चों को दे देते हैं। जैसे मम्मी थोड़ी सी काम में व्यस्त हो और बच्चा उसको आकर थोड़ा डिस्टर्ब करता हो, उसको डिस्टर्ब करता हो ना, तो मम्मी क्या करते हैं, मम्मी उस बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि भाई तू ले, भाई ले खेल ले इससे, है ना, खेलने लग। परंतु मम्मी ये नहीं समझते कि मैंने उसको अभी मोबाइल दे दिया, मेरा थोड़ा समय बर्बाद ना हो उसके लिए मैंने उसको एक बहुत खतरनाक चीज हाथ में दे दी, जिससे उसका माइंड, उसका उपयोग खराब हो जाएगा। हम ये नहीं विचारते हैं, क्योंकि हमने उसको उस खतरनाक चीज जो मोबाइल है वो दे दिया, अब वो उसमें कुछ भी कर सकता है।
वो उसमें YouTube देख सकता है, Facebook चला लेगा, वो उसमें WhatsApp चला लेगा, Telegram चला लेगा, ये चला लेगा, वो चला, ख्याल आ रहा है, ये सब गलत गलत चीज सीख लेगा। माने उसका उपयोग वो स्वाध्याय में से, पढ़ाई में से पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब ये नई नई चीजों में उलझ गया बच्चा। माने हमारा थोड़ा समय खराब ना हो उसके लिए हमने उसका जीवन खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसको कुछ और चीज ऐसी दे देनी चाहिए, बुक्स वगैरह दे देनी चाहिए कि जिससे वो पढ़ाई में लगे और हम अपना काम भी करें और उसका काम भी होता रहे, उसका जीवन भी बर्बाद ना हो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में विकृतियां हम ही डालते हैं, उनके जीवन में विकृतियां कौन डालते हैं, हम ही डालते हैं, हम ही खराब करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनको ऐसी खतरनाक चीजें, ऐसे हिंसक पदार्थ, ऐसी चीजें हम उनको ना दें। इसके बाद आएगा, उसके बाद एक अहिंसा का भी पॉइंट भाई साहब ने लिया है, उस पर हम थोड़ा विस्तार देखेंगे। परंतु एक बात है कि 8 साल तक बच्चे की पूरी जवाबदारी मम्मी पापा की है। किसकी है? मम्मी पापा की है। माने 8 साल तक हम बच्चे में कोई बुरे संस्कार डले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की है, वो दोष मम्मी पापा पे लगेगा। 8 साल के बाद वो कुछ भी करे तो वो उसके ऊपर है, परंतु 8 वर्ष तक तो वो पूरी जवाबदारी मम्मी पापा की है। क्योंकि अपने जिनागम में आया ना कि 8 साल का मनुष्य, 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए योग्यता वाला है। माने कैसे संस्कार डाले, कैसा उसका जीवन बनाए, निर्दोष बनाए, अहिंसक बनाए, खूब नीडर बनाए, निर्भय बना दे, है ना, और तत्व ज्ञान से उनका जीवन सुशोभित हो जाए, रंग में रंग जाए, भक्ति, स्वाध्याय, शिविर, है ना, इस प्रकार के उनको, उनका जीवन इन तत्व ज्ञान से हम रंग दे। हम गाते थे ना छोटे छोटे थे तब, हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए गाते, अरहंत मारा पिता, अरहंत तारा पिता, जिनवानी तारी माता मारा बंधु, अरहंत थावू सहल छे, सिद्ध तारा पिता, जिनवानी तारी माता मारा बंधु, अरे सिद्ध थावू सहल छे। ऐसी लोरिया गानी चाहिए, ऐसी भक्ति सुनानी चाहिए जिससे उनका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, सुंदर हो, बुरी आदतें उनके जीवन में ना आए, बुरे विचार उनके जीवन में ना आए, सबको निर्दोष देके स्वयं उनका जीवन निर्दोष बने, ऐसे हम खूब प्रयास करें। भाई साहब जी, भाई सुमित जी भाई साहब का बहुत अच्छा प्रयास है, उनके उनकी तो बहुत सारी बच्चों के लिए भक्तियां भी है। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहू के वीरा, तू तो है जाननहारा, तू गुणों के पलने में झूले आ। तो उसको उसका सामर्थ बताओ, उसको उसका वैभव बताओ, उसकी शक्ति बताओ कि तू कैसा है, तेरा स्वरूप क्या, तो भगवान बनेगा ना। इस प्रकार के उंडे संस्कार डालो कि वो खूब उसका जीवन भी आराधनामय बने और वो लोगों को भी ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, उसका जीवन आदर्शमय बने कि उसका जीवन देख के लोग प्रभावित हो जाए और पूछे कि किसका बेटा है, कौन है इसके माता पिता। माने उसकी प्रशंसा, उसकी प्रसिद्धि में मम्मी पापा की प्रसिद्धि है, मम्मी पापा की प्रशंसा होती है। तो हम अपने जीवन, हम अपना जीवन भी ऐसा बनाए और हम अपने बच्चों का जीवन भी ऐसा बनाए। 2 पॉइंट के ऊपर आज हमारी चर्चा हुई है, 2 पॉइंट के ऊपर हमने 2 पॉइंट कौन से, निशंकित और निकांक्षित, 2 पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा की आज दोपहर के जो स्वाध्याय में। हम इसके बाद निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अहिंसा, सत्यता, अचौर्य, अपरिग्रही, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम दोपहर के स्वाध्याय में उसकी चर्चा करेंगे। ऐसा हमारा जीवन हो और इन ज्ञानियों ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है हम उसको फॉलो करें,
और हमारा जीवन भी आदर्शमय बने, अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ श्रद्धा पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति में ले लेती हूँ। निष्ठा बहन आप ले लोगे जिनवाणी स्तुति? लो ना बेटा आप लो। निज निधि निज में बता